डालो डालो पानी डालो फटाफट, नहीं तो फैलती जाएगी आग। गाइस पानी की व्यवस्था होगी, ये लोग जल्दी जल्दी से पाइप लेके आ गए। इन्होंने तो फिर फायर ब्रिगेड से भी तगड़ा काम कर दिया भाई। गाइस इन्होंने फटाफट अपना पाइप लगाया और पाइप लगाते ही जो है पानी भी आ गया। वो कोने में बहुत भयंकर तरीके से लगी हुई आग, वो देखिए ये। थैंक यू। और एक सर और आ रखे हैं देखो साथ में, जो कि अपना हेलमेट रिपेयर कराने रखे हैं। तो भाई मैं भी यही कहूंगा यार, अगर आप भी हेलमेट में थोड़ा बहुत अगर है तो आप इसको जो है रिपेयर करवा सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं लोकेशन आपको बता दूं, देखिए गाइस ये है बैराज। मजा आ गया यहाँ तक दौड़ते दौड़ते, और एक दिन मैं वहां भी जाऊंगा अभी दौड़ के, वो भी रिकॉर्ड तोड़ूंगा मैं। और ये देखो क्या नज़ारे है यहाँ के यार, ब्यूटीफुल नज़ारे। वाओ सुंदर हवा, पेड़ पौधों के बीच गंगा जी भी है। और गाइस चलते हैं जरा एडवेंचर भी कर लेते हैं। देखिए रास्ता यहाँ का उबड़ खाबड़। और ये देखिए गाइस सूर्य देव के भी दर्शन हो गए, और ब्यूटीफुल सीन। ओए
देखो दोनों, ये दोनों भी गंगा दर्शन करने आए भाई। बच्चों क्या हाल है, घूमने आ रहे हो? घूमने? बढ़िया भाई बढ़िया यार। राम राम जी, राम राम। और गाइस सुबह सुबह लोग जो है आ रखे हैं नहाने के लिए। इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छा हवा चल रही है और धूप भी आ गई है। मैं सोच रहा हूँ मेडिटेशन क्यों नहीं किया जाए। तो शुरू करते हैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन, वो भी रेत में बैठ के। इसका मजा ही कुछ और है रेत में बैठने का। सर नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। मिल गया आप? और सब ठीक ठाक? हाँ बढ़िया सर, बढ़िया एकदम बढ़िया। ले लिया दूध? हाँ दूध ले लिया। चले फिर? चलो अच्छा, नहीं अच्छा है यहाँ पे, बढ़िया जगह। आप ठीक हो? हाँ बस सब बढ़िया, आपकी कृपा है। सब ठीक है जी, सब ठीक है। बढ़िया चाहिए आपका डेली का ये यहाँ पे है रखने आश्रम में, किसी बहाने जो है एक उठने का वो हो जाता है। नहीं अच्छा है। और वैसे क्या है आज ही करता है अर्कस, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। बस अच्छा है, बढ़िया रूटीन बना रखा आपने। इसकी उम्र है क्या रहा भाई? एक बार गाय लगी थी ना आटा तुम्हारा है? उसका वीडियो बनाया था मैंने, मैं इधर से जा ही रहा था। और गाय जी है भाई की शॉप, और भाई जो है आ जाता है सुबह सुबह। कूलर में चाय पीते हैं लोग आजकल है? ये मतलब वन टाइम यूज एंड थ्रो है भाई, कूलर की चाय यहाँ पे अच्छी होती। पियेंगे किसी दिन, अभी तो नहीं पियूंगा, आएंगे कभी। और एक बार क्या हुआ था, भाई का आटा जो है वो गाय लेके चली गई थी, तो फिर भाई ने जो है छीन के ले आया था वापस उससे। चलो ये दुकानें कब खुलती हैं? बाकी सब खुलती हैं। इसका आप किराया देते हो? नहीं, अच्छा खरीदा है। अच्छा तो ये मतलब नगर निगम ने पूरा बना के दिया आपको, तो हो जाती है जगह है, सफिशिएंट है? सफिशिएंट है। और क्या टाइमिंग है आपका दुकान का? 6 बजे से पूरा दिन, सुबह 6 से 9 बजे तक। खाना वाना भी बनाते हैं? लिट्टी चोखा बनाते हो आप? बिहार का है वो है? तो यार एक दिन हम आएंगे तो भट्टी है कहाँ है वही में दे। अच्छा भाई यहाँ तो लिट्टी चोखा भी बनता है यार, गुड। इन्होंने ये तंदूर टाइप भट्टी टाइप बना रखी है, और जो है ना ये बिहार का ट्रेडिशनल फूड है और बहुत अच्छा। और हम तो आएंगे, मैं तो यार आर्मी में रहा हूँ तो हम लोग खाते रहते थे ना, क्योंकि हमारे पास में तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, बिहार के भी आते हैं, तो अच्छा लगता है वो लिट्टी चोखा वगैरह। तो कब कब बनाते हो आप? शाम के टाइम। कितने से कितने बजे तक? करीब 6 से 8-9 बजे। अच्छा तो आप फ्रेश बनाते होंगे? फ्रेश ही आपका? चलो आएंगे किस दिन खाने के लिए है? ओके थैंक यू भाई। तो भाई ने यार यहाँ पर जो है शॉप खुद खोल रखी है, और अक्सर मैं भाई को जो है कि देखता रहता हूँ यहाँ पर दुकान में। तो गाइस यार टाइम हो गया आज काफ़ी, तो मैं सोच रहा हूँ एक वैसे वापस जाने के लिए रनिंग कर लेता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ अभी वापस जाने के लिए रनिंग। गाइस यार पहुंच गया हूँ मैं वॉकिंग और रनिंग करके घर पे, और मैंने लिया नींबू पानी और ग्रीन टी भी रखी है मैंने, ग्रीन टी बन रही है।
और आज बहुत अच्छा रहा, लंबा रनिंग रहा, बहुत बढ़िया रहा, मजा आया। तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ अभी। मेरा एक्चुअली जो हेलमेट था, हेलमेट का कांच मैं जो रिप्लेस कर रहा हूँ, बाकी हेलमेट तो बहुत अच्छा है मेरा, और मैं सिर्फ उसका कांच रिपेयर कर रहा हूँ, जो आगे का ग्लास होता है या प्लास्टिक का जो भी है, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आ गई थी। तो आप देखिए किस तरह से चेंज करते हैं, और ये है भाई साहब जो है लगे हुए हैं कांच इसको चेंज करते। ये खुलेगा अभी, हेलमेट सही है और उसका ग्लास स्क्रैच है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि भाई साहब के पास मैं आ रखा हूँ और मैं उसका ग्लास अभी चेंज करवा रहा हूँ। तो फाइनली गाइस मेरा जो हेलमेट है ना वो रिपेयर हो गया, और इसका जो है सर ने जो है ग्लास लगा दिया है, और बहुत अच्छा लग रहा है ये अभी, और मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, और अब धूप भी है तो उसमें अच्छा लगेगा ये चलते समय। तो ये है हमारे एक्स फौजी जो ये काम करते हैं भाई साहब, और भाई साहब जो है गढ़वाल राइफल, मतलब भाई नौ की बोलते बोले जगमोहन सिंह रावत। तो भाई साहब जो जगमोहन सिंह रावत जी है, और इनका जो है खुद ये रिपेयर करते हैं हेलमेट को, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम लोगों का सर बचाते हैं, है भाई, तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, और करने आपने में हमारा सर बचा दिया, थैंक यू। और एक सर और आ रखे हैं देखो साथ में, जो कि अपना हेलमेट रिपेयर कराना रखे। तो भाई लोकेशन आपको बता दूं, ये है टीएसडीसी गेट के सामने, तीन नंबर गेट, ये टीएसडीसी गेट तीन नंबर गेट के सामने रहते हैं भाई साहब। गाइज मैं पहुंच गया अभी दूसरी नर्सरी में, तो ये देखो यार यहाँ मस्त मस्त फूल, और गाइज ये ऋषिकेश की सबसे बड़ी नर्सरी है, और यहाँ पे आपको हर टाइप के फूल, हर टाइप के प्लांट्स, हर देखिए आप सभी चीज यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए ये तो अच्छा है, यहाँ पे फिलहाल जो मुझे चाहिए था वो मैं देख रहा हूँ, और मुझे मिला नहीं अभी तक। फाइनली गाइस मुझे मिल गया जो चाहिए था।
देखो गाइस, किसी ने जो है खेतों में आग लगा दी। ये गेहूं के खेत रहे होंगे, लेकिन भाई नर्सरी वाला परेशान है। बिल्कुल जस्ट नर्सरी के बगल में ही जो है आग लगा दी। यार यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि काफी इनके पास में घास होती है, उसमें भी आग। ओ भाई ये तो भयंकर ही लग गई यार भी आग। वो देखिए ये 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 ना, उतना जल्दी जल्दी ये आग पकड़ेगी। और वहां पर कुछ जो है भाई साहब आग बुझाने पर लगे हुए हैं। भाई और ये देखो गाइस, किसी ने आग लगा दी यहाँ। और ये बगल में ही जो है नर्सरी है भाई, तो इनको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर यहाँ आ सकती है बिल्कुल, ये पूरे इसमें ये पेड़ पौधों को जला सकते हैं, इनको नुकसान हो सकता है ये। डालो पानी डालो फटाफट, नहीं तो फैलती जाएगी आग। और गाइस पानी की व्यवस्था होगी, ये लोग जल्दी जल्दी से पाइप लेके आ गए। इन्होंने तो फिर फायर ब्रिगेड से भी तगड़ा काम कर दिया भाई। गाइस इन्होंने फटाफट अपना पाइप लगाया, और पाइप लगाते ही जो है पानी भी आ गया, और बहुत जल्दी इन्होंने कार्रवाई कर दी। यहाँ पे फायर ब्रिगेड से भी तगड़ी कार्रवाई करी इन्होंने। मजाओ साहब, ये झाड़ी में भी लगी है, यहाँ डालो भले ही झाड़ी में लगी है ये वाली। और गाइस देखिए इन्होंने तुरंत पानी की व्यवस्था करके आग बुझाने में लग गया है भाई लोग, बहुत बढ़िया। और गाइस पूरी धरती जो है काली होगी यहाँ पे। और देखो जा रहे हैं भाई साहब आग बुझाने के लिए, करना पड़ेगा यार, क्योंकि इनकी नर्सरी है यहाँ पे, और कई पेड़ पौधे ठग से आग पकड़ लेते हैं भाई। मैं तो आया था अपना जार लेने के लिए, लेकिन ये मिले नहीं, तो मैं यहाँ आ गया थोड़ा सा आगे। ये आग बुझा रहे थे यहाँ, तो बोला आग लग गई बोला। तो फाइनल गाइस इनकी आग भी बुझ गई, और मैंने ये जार भी ले लिया, और अभी चलते हैं भाई घर की तरफ।